ओके, आज कंडक्टिविटी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है। ये याद होगा, इक्वेशन लास्ट टाइम करी थी। जी क्या था आपका? कंडक्टेंस था, और आर इज योर रेजिस्टेंस, एंड ए इज योर एरिया, एल इज योर लेंथ, एंड रो इज योर रेजिस्टिविटी। मैंने बताया था जैसे रेजिस्टेंस को इनवर्स, सॉरी रेजिस्टेंस का इनवर्स कंडक्टेंस होता है, दैट इज योर जी। सिमिलरली रेजिस्टिविटी का इनवर्स भी क्या होता है? कापा। 1 बाय रो इज इक्वल टू कापा, ठीक है? कापा इज योर कंडक्टिविटी, एंड व्हाट इज यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी? साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है? एसआई यूनिट्स हमेशा हर चीज की याद रखनी है आपने, ठीक है? क्लियर? जैसे कंडक्टेंस की क्या है? ओम इनवर्स है, ठीक है? और रेजिस्टिविटी की क्या है बताओ, बता देना मुझे। मुझे तो याद है, तुम बता देना अपना सोच समझ के जो है। अच्छा, ये भी हमने कर लिया था आई थिंक सो। मैं तो हल्का सा रिकैप करा रही हूँ, ये शायद नहीं किया है। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, ठीक है? तो आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को कैसे मेजर करना है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जनरली हमने एक व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ना है, शायद आपने ये फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, मस्ट बी इसके बारे में, 12th में शायद है। तो क्या होगा एक्चुअली, क्या प्रॉब्लम है हमारे पास? आयनिक जो सॉल्यूशन है उनकी कंडक्टिविटी हम क्यों मेजर के मेजरमेंट में क्या प्रॉब्लम आती है? जनरली ऐसा होता है कि अगर आप उनकी कंडक्टिविटी मेजर करना चाहते हो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, उन दोनों सॉल्यूशन को कहीं ना कहीं कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, किसी मेटेलिक वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जनरली वो पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, दो सॉल्यूशन को वायर से कैसे कनेक्ट करेंगे, है ना? पानी के अंदर तो नहीं कनेक्ट कर सकते। सिमिलरली अगर, और दूसरा ये है कि अगर हम डायरेक्ट करंट उसके अंदर पास करें, ठीक है, डायरेक्ट करंट जो उसके अंदर पास करें, तो उसे क्या होता है कि उसे जो सॉल्यूशन की जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है। मे बी डिसोसिएट हो जाए आपका जो सॉल्ट है, ठीक है, वो ज़्यादा डिसोसिएट हो सकता है, तो जिससे उसकी कंपोजिशन है वो चेंज आ जाएगा। उससे क्या होगा, अगर कंपोजिशन चेंज होगी तो जाहिर सी बात है उसकी कंडक्टिविटी में भी फर्क आएगा, है ना? तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल पाएगी जो हमारे सॉल्यूशन की थी। तो दो प्रॉब्लम आई कि तो डायरेक्ट करंट नहीं यूज कर सकते थे, दूसरी बात ये थी कि दो सॉल्यूशन को कनेक्ट कैसे किया जाए, ठीक है, दो सॉल्यूशन को कनेक्ट कैसे किया जाए। तो इसके लिए फिर फर्दर थोड़ा सा, एक तो ये देखा, सोचा गया कि हम डीसी की जगह एसी यूज कर लेते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो देखा गया कि अगर अल्टरनेटिंग करंट यूज किया जाता है तो जो कंपोजिशन है उसमें कोई फर्क नहीं आता, मतलब जो कंपोजिशन है सॉल्यूशन की वो एज इट इज रहती है। दूसरी बात जो कि दो सॉल्यूशन को कनेक्ट कैसे करना है, उसके लिए एक सेल बनाया गया, दैट इज नोन एज कंडक्टिविटी सेल। तो हियर आर द एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टिविटी सेल, यू कैन सी इन द फिगर 3.4। तो ये देखो ऐसे का रखा है, ये एक सॉल्यूशन है, इधर एक इलेक्ट्रोड है, इसको सॉल्यूशन से बाहर निकाला गया है ना, फिर दूसरी इलेक्ट्रोड को भी इधर पानी से बाहर निकाला हुआ, सॉल्यूशन से बाहर निकाला गया, फिर इनको फर्दर किसी वायर से कनेक्ट किया गया, ठीक है, सो दैट वी कैन मेजर द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है। सिमिलरली हियर, यहाँ पर भी जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं उनको फर्दर मतलब बाहर निकाला गया है, फिर फर्दर उन्हें वायर से कनेक्ट किया गया है, मतलब उन्हें बोला कि ऐसा सेल डेवलप कर लेते हैं कि जिससे ये इलेक्ट्रोड है थोड़ा सा बाहर की तरफ भी निकल जाए, जिससे वायर को हम बाहर से बाहर कनेक्ट कर सके, ठीक है। मतलब हालांकि इतना इम्पोर्टेंट अभी के लिए तो नहीं है, जो आगे वाला टॉपिक है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर एक चीज हमने पढ़नी है कि हर जो कंडक्टिविटी सेल होता है, जैसे आपने अभी ऊपर देखे फिगर 3.4 में, उनका हर सेल का अपना एक सेल कांस्टेंट होता है, ठीक है। जो सेल कांस्टेंट होता है वो किसी पार्टिकुलर सेल के लिए कोई फिक्स वैल्यू होगी। तो सेल कांस्टेंट होगा क्या? देखो यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था रेजिस्टेंस निकालने के लिए, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, रो इज योर रेजिस्टिविटी, एल इज योर लेंथ, ए इज योर एरिया। तो आपकी जो रेजिस्टिविटी है उसकी यूनिट क्या होती है? ओम मीटर ना, और लेंथ की मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो टर्म है ना कि एल बाय ए, ये जो टर्म है लेंथ को अगर आप एरिया से डिवाइड करें, ये जो क्वांटिटी है ना एल बाय ए, इसी को हम बोलते हैं सेल कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सेल कॉन्स्टेंट। और इसको डिनोट किससे किया जाता है? जी स्टार से। जी किसके लिए है? जी कंडक्टेंस के लिए है, याद रखना, बट जी स्टार किसके लिए है? सेल कॉन्स्टेंट के लिए। लिख ले वो साइड में कहीं पे, कंफ्यूज ना हो जाओ। वेयर 1 बाय रो क्या हो जाएगा आपका? रो इज इक्वल टू क्या है? 1 बाय कप्पा, या फिर लिखो
कप्पा इज इक्वल टू 1/रो व्हाटएवर, ठीक है। तो ये जो आर है आपका रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, एल ओवर कप्पा बाय ए, ठीक है। तो मैंने बोला कि जो सेल कॉन्स्टेंट होता है वो किसी भी सेल का फिक्स होता है, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि हम किसी ना किसी सेल का अपना, जैसे सेल कॉन्स्टेंट तो हम लोगों को फाइंड आउट किए होते हैं, हमने सेल कॉन्स्टेंट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये 3.17, अगर मैं इस कप्पा को ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको लेफ्ट साइड ले जाऊं, है ना, अभी यहाँ पे डिवाइड में है ना कप्पा, है ना, अगर लेफ्ट साइड लेके जाऊंगे तो क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 3.17 3.18 में चेंज हुई है, कैसे, देखो एल बाय ए दैट इज योर सेल कॉन्स्टेंट डिनोटेड बाय जी स्टार इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इन टू कप्पा, मतलब अगर आपको सेल कॉन्स्टेंट पता हो और रेजिस्टेंस पता हो तो आप कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सेल की, ठीक है। ये इक्वेशन कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए है, मतलब क्वेश्चन में तो कैसे भी आ सकता है, बट पर्पस इसका कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने का था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो हमने पढ़ना है दैट इज योर व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या किया गया, देखो इस तरह का एक डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें चार रेजिस्टेंस जो है आपके अरेंज किए गए हैं, R1, R2, R3 एंड R4, पी इज योर डिटेक्टर, ठीक है। तो होता है ना कोई जो कि वो यूज करते हैं नल पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास फिजिक्स में भी है, उसमें थोड़ा अच्छे से डिटेल में पता चल जाएगा, क्लियर। तो जैसे आपके ये आर टू है, आर टू को मैंने क्या माना, ये कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस है, ठीक है। सपोज करो ये क्या है, कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस है, और R3, R4 एंड R1 ये सब मुझे नॉन है, ये तीनों रेजिस्टेंस मैंने कोई नॉन रेजिस्टेंस लिए हैं। तो अगर आपने उसको इस अरेंजमेंट में कनेक्ट किया है इन चारों रेजिस्टेंस को, जिस अरेंजमेंट में इस फिगर में दिखा रखे हैं, तो एक इक्वेशन बन जाती है यहाँ पर कि जो आर टू होगा ना, जो जिसको मैंने कंडक्टिविटी सेल से कनेक्ट, जो कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस है, ये जो आर टू की वैल्यू है, अननोन रेजिस्टेंस जो है, ये हमेशा इक्वल होगा किसके, आर वन इंटू आर फोर डिवाइड बाई आर थ्री। देखो आर वन इंटू आर फोर डिवाइड बाई आर थ्री, आर थ्री कौन सा है, जो आर टू के अपोजिट है, ठीक है। तो ये जो देखो एक जो अननोन आपने रेजिस्टेंस लगाया ना, ठीक है, उसके जो अपोजिट है उसको तो डिवाइड में लेना है, दैट इज जो आर थ्री ले लिया, और उसके अलावा जो दो रेजिस्टेंस है उनको न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन में लेना है, ठीक है। तो आर वन इंटू आर फोर डिवाइड बाई आर थ्री, ये जो रिलेशन है ये किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ से हमको रेजिस्टेंस पता चल गया ना, सेल कॉन्स्टेंट एल अब बाय ए करके पता चल जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ से पता चल जाएगा, कप्पा फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो देखो ये क्या रखा है, कप्पा सेल कॉन्स्टेंट बाय रेजिस्टेंस, जी स्टार को आप आर से डिवाइड कर दीजिए आपकी कप्पा आगे, दैट इज योर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंडक्टिविटी को और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर एक अलग टर्म है, येलो बॉक्स में लिखा हुआ मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। ये जो कप्पा है दैट इज योर कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी है, सिंपल कंडक्टिविटी है। ये जो नेक्स्ट ब्लॉक में येलो ब्लॉक में है दैट इज योर मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लैम्डा एम, दिस इज योर लैम्डा और एम इसलिए क्योंकि मोलर मोलर कंडक्टिविटी है। इसकी जो वैल्यू है दैट इज योर होती है कप्पा बाय सी, कप्पा क्या है आपकी कंडक्टिविटी, है ना, जो आपने ऊपर पढ़ी है, जो आपने जी स्टार को रेजिस्टेंस से डिवाइड करके या को सेल कॉन्स्टेंट को रेजिस्टेंस से डिवाइड करके फाइंड आउट की है, उस कप्पा को अगर आप कंसेंट्रेशन से डिवाइड कर दें, उस सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन से डिवाइड कर दें जिसकी आपने मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो आपके पास लैम्डा एम की वैल्यू आ जाएगी। इसको समझने के लिए मैंने देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, क्योंकि चीजें ऐसे थोड़ा कम समझ में आती हैं, तो एग्जांपल लेके समझाते हैं तो अच्छे से आएंगी। सपोज करो कप्पा आपका है 30 साइमन पर मीटर, ठीक है, साइमन पर मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ कप्पा, ये आपको आगे भी दिख जाएगी। सी इज योर कंसेंट्रेशन दैट मैंने माना कि 1.5 mole per meter cube इज योर कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इस कप्पा को उसकी कंसेंट्रेशन से डिवाइड करना है, दैट इज 30 डिवाइड बाय 1.5, मतलब यूनिट कंसेंट्रेशन के लिए दैट इज 20 वैल्यू आ गया, तो 20 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स क्या आ गया आपकी मोलर कंडक्टिविटी आ गई। तो अगर आपको किसी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी दी गई है, मतलब कप्पा दिया गया है और साथ में कंसेंट्रेशन दे दी है,
सी दे दिया है तो आपको एक तो एसआई यूनिट चेक करना, ठीक है, मतलब कापा जो है वो साइमन पर मीटर में होना चाहिए और कंसेंट्रेशन आपका मोल पर मीटर क्यूब में होना चाहिए, ठीक है। तो आप मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हो, और मोलर कंडक्टिविटी की क्या यूनिट है, साइमन मीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स, ये तो आप इस सिंपल फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। मैंने मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाली है, काप्पा को सी से डिवाइड किया है ना, तो काप्पा की क्या थी, साइमन पर मीटर, काप्पा की थी साइमन पर मीटर, सी की क्या है, मोल पर मीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, ये मीटर क्यूब ऊपर जाएगा और ये वाला जो मीटर है वो डिनोमिनेटर में आएगा। लिख दिया साइमन इंटू मीटर क्यूब, मोल इंटू स्टार डिनोट्स क्या कर रहा है, स्टार मल्टीप्लिकेशन डिनोट कर रहा है, स्टार मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, इंटू एम, मोल इंटू एम, एम अब देखो इधर एम क्यूब है इधर एम है, एक एम कट जाएगा तो ऊपर क्या रह जाएगा, मीटर स्क्वेयर रह जाएगा। तो वही तो यूनिट है, साइमन मीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स, ठीक है, ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है। यूनिट सबकी याद रखनी है, इसलिए एक जब ये अभी जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली अगर ये आज ही चैप्टर खत्म हो जाता है तो एक पेज पे इस चैप्टर में जितने टर्म्स आए हैं उनके नाम, उनके सिंबल, फॉर्मूलाज और उनकी एसआई यूनिट्स आपने लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपकी जो मोलारिटी है, आपको मोलारिटी दे दी है सॉल्यूशन की, ठीक है, दैट इज मोल पर लीटर कोई भी वैल्यू होगी आपकी, अगर आपको मोलारिटी दी है सॉल्यूशन की मोल पर लीटर की टर्म में, मोलारिटी भी कुछ नहीं है, कंसंट्रेशन को ही एक्सप्रेस करने का तरीका है, हमने पढ़ा है, तो मोलारिटी इज नथिंग बट कंसंट्रेशन, ठीक है। और काप्पा दे दिया है आपको साइमन पर मीटर में, ठीक है, पर मीटर, ये तो ठीक है, साइमन पर मीटर एसआई यूनिट है और ये यहाँ पर एज इट इज है, बट अगर आपको याद हो मैंने ऊपर कंसंट्रेशन की क्या यूनिट ली थी, मोल पर मीटर क्यूब ली थी, यहाँ पर क्या दिया है, मोल पर लीटर है, ठीक है, मीटर क्यूब नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, से इस जो मोलारिटी वाले टर्म को नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक एक मीटर सॉरी एक लीटर में 1000 मीटर क्यूब होते हैं, ठीक है, एक लीटर एक डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है और एक लीटर आपका 1000 मीटर क्यूब के इक्वल होता है, इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। डिनोमिनेटर में आ रही है ना कंसंट्रेशन की टर्म, तो डिनोमिनेटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ओवरऑल जो ये वैल्यू आ गई आपकी, दैट इज योर लैम्डा एम आ गया, ठीक है, आपके लैम्डा एम, ये वही फॉर्मूला है, बस इसको थोड़ा सा ये बताया गया है कि अगर यूनिट अगर कंसंट्रेशन की मोल पर लीटर में है तो आपको 1000 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है ना, इसको EM डबल रोट से भी लिखते रहे, ठीक है, ये नई मेरे पास पब्लिकेशन है, मतलब जो अप्रैल में आता है ना हर साल NCERT का, ये वो पब्लिकेशन है, लेटेस्ट पब्लिकेशन है, ठीक है, और इसको ये LM से भी डिनोट कर देते हैं, तो कहीं क्वेश्चन में अगर ये EM डबल रोट लिखा हुआ आ गया या फिर LM लिखा आ गया, तो वट इज ये है क्या, ये लैमडा एम ही आपकी मोलर कंडक्टिविटी है, वो तो सिंबल अलग अलग लिख रखे हैं इन्होंने, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब देखो ये जो आपके पास इक्वेशन है ये नीचे वाली, इसमें क्या किया हुआ है, ये जो मोलर कंडक्टिविटी है इसकी यूनिट ली है साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स, ये एसआई यूनिट नहीं है, एसआई ये ऊपर वाली है, तो बोला कि अगर एसआई यूनिट ना हो, अगर ये हो साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स, और जो काप्पा है वो किस में हो, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में हो, और मोलारिटी किस में हो, मोल पर लीटर में हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा LM को फाइंड आउट करने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया, देखो अगर आपको काप्पा दे दिया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, दे दिया, जो कि इसकी SI यूनिट तो है नहीं, ये है इसकी SI यूनिट साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है, और मोलारिटी दे दी मोल पर लीटर में, ठीक है, मोल पर लीटर में आपको मोलारिटी दे दी, तो आपको अगर लैम्डा एम दैट इज योर मोलर कंडक्टिविटी, अगर आपको साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स के टर्म में निकालना हो तो आपको इस काप्पा को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, बस अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही ना सेकेंड इक्वेशन, आपको लग रहा है कि यार ये तो यूनिट कन्वर्जन में मैं पजल हो रहा हूँ, अगर आपसे हो रहा है तो कर लो, अगर अदरवाइज आप ये वाला याद रख लो ऊपर वाला, दैट इज सफिशेंट। तो आप क्या करना, एक SI थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि SI में ही निकालना होता है जनरली, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है,
अगर आप सीजीएस में भी निकाल लेते हो, सीजीएस सिस्टम है तो चल, तो भी चल जाता है, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो न्यूमेरिकल दिखा देते तुमको, 3.4 न्यूमेरिकल है कि रेजिस्टेंस दिया है एक सेल का फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर केसीएल। समझ में आया है क्या दिया है? ये कंसंट्रेशन दी है, सी का वैल्यू है इन इस 100 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या दे दिया, आर की वैल्यू दे दी 100 ओम। नाउ रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, उसी सेल का रेजिस्टेंस पूछा है जब उसे 0.02 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन के साथ फिल किया जाएगा, तब उसका रेजिस्टेंस 520 ओम अगर आ गया तो आपने क्या निकालना है, आपने कंडक्टिविटी निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, किसके निकालनी है, 0.02 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन की आपने कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, ठीक है। और इन्होंने 0.1 की दी है, ऊपर वाला जो सॉल्यूशन था पहले वाला उसकी कंडक्टिविटी दी है 1.29 साइमन पर मीटर, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी है पहले वाले सॉल्यूशन की, दूसरे वाले की कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों पूछी है। तो सिंपल सी बात है, पहला सॉल्यूशन था कंसंट्रेशन दे दी है, रेजिस्टेंस दे दिया है, तो आप ऐसा करो आप सेल कॉन्स्टेंट फाइंड आउट कर लो, ठीक है। सेल कॉन्स्टेंट क्या होता है, कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस, दोनों दिया है ना, कंडक्टिविटी भी दिया है नीचे देखो 1.29 और रेजिस्टेंस दे दिया है 100 ओम, तो जी कर दिया मल्टीप्लाई, 129 आ गया इसका सेल कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखो सेल कॉन्स्टेंट आ गया, अब कंसंट्रेशन भी आपको पता है इसकी, है ना, तो आप कंडक्टिविटी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, सॉरी इसकी तो निकल ही पड़ी है, सॉरी उसकी 0.02 की कंडक्टिविटी निकाल सकते हो कि नहीं, क्योंकि सेल कॉन्स्टेंट भी है 0.02, सेल तो वही है तो सेल कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, चाहे आप सोल्यूशन 0.1 का डालो चाहे सोल्यूशन 0.02 का डालो, सेल कॉन्स्टेंट तो उस पर्टिकुलर सेल का फिक्स ही रहेगा, सोल्यूशन चेंज होने से सेल कॉन्स्टेंट चेंज नहीं होता। तो सेल कॉन्स्टेंट तो आपने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 129 मीटर इनवर्स, ठीक है, सेल कॉन्स्टेंट पता चल गया। रेजिस्टेंस उन्होंने गिवन दिया था कितना था 520, 0.02 का कितना है 520 है, तो जी रेजिस्टेंस भी पता है, डिवाइड कर दीजिए सेल कॉन्स्टेंट्स को, सेल कॉन्स्टेंट को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आई है 0.248 साइमन मीटर इनवर्स। दिस इज योर कंडक्टिविटी, दिस इज व्हाट, दिस इज योर कंडक्टिविटी, क्लियर। अभी मुझे क्या निकालना है, कंडक्टिविटी निकल चुकी है, मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। अगर आपको याद हो मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते थे, जो आपकी कंडक्टिविटी है दैट इज योर कप्पा, जो आपने अभी फाइंड आउट करी है सेल कॉन्स्टेंट को रेजिस्टेंस से डिवाइड करके, है ना, इसको अगर आप इसको कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दें, है ना, तो आपकी क्या जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। कि मैंने आपको एक बात बताया था, ये जो कंसंट्रेशन है ना ये मोल पर मीटर क्यूब के टर्म में होने चाहिए, किस में होनी चाहिए थी, मोलर मोल पर मीटर क्यूब की, पर यहाँ पर जो कंसंट्रेशन दी है दैट इज योर मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर होने से क्या करना था, आपने मोल पर लीटर होने से क्या करना था, इस कंसंट्रेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करना था। आप ऊपर वाला फॉर्मूला फिर से आपके पास तो बुक है, आप चेक कर सकते हो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आपको कंसंट्रेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर आपकी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है, ताकि वो मोल पर मीटर क्यूब में चेंज हो जाए, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन है, पर लीटर को पर मीटर क्यूब में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू आती है यहाँ पे सॉल्व करके देख लेना, 20 मोल पर मीटर क्यूब आ गई, या आपकी कंसंट्रेशन मोल पर मीटर क्यूब में आ गई है 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब तो कुछ नहीं बचा है, कापा आपके पास है, ये रहा है ना 0.248, और कंसंट्रेशन आपने निकाल दी है उसी टर्म में जिसमें मैंने मांगा था, इसको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है दैट इज योर 124 × 10⁻⁴। क्या यूनिट होगी, वही होगी जो अभी मैंने सारा सिस्टम SI में लेके चली हूँ ना, तो यूनिट भी इसकी भी क्या होगी, लैम्डा एम की SI यूनिट होगी, दैट इज साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है। इसके अलावा इसने अल्टरनेटिवली दे रखा है, ये मत करना, ये CGS सिस्टम में कर रखा है सेंटीमीटर इनवर्स लेके, ठीक है। तो कंफ्यूज हो जाओगे, दो दो सिस्टम मत करो, एक ही में कर लो, ताकि पेपर में एक ही चीज ध्यान रहे, पजल ना हो जाओ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3.5। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस of a column of 0.05 mole per liter, ये क्या है concentration, कौन सा solution है, sodium hydroxide का solution है, diameter दिया है 1 centimeter,
डायमीटर दे दिया 1 सेंटीमीटर, लेंथ दी है 50 सेंटीमीटर, और इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज योर, ये जो सॉल्यूशन था 0.05 वाला, इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज योर 5.55 × 10⁻³ ohm, ये रेजिस्टेंस है जी। आपको क्या निकालना है, वेट, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रेजिस्टिविटी, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, तीनों चीजें निकालनी है। रेजिस्टिविटी याद है ना, रो रो, कंडक्टिविटी और कापा, और मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। अब देखो, अगर आपको रो निकालना हो तो फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, है ना, रो दिया था, रो पूछा है, रो क्या हो जाएगा आर ए बाय एल, है ना, इधर लेके गए ए को, एल को इधर चले गया, तो बन गया आर ए बाय एल। अब देखो, इन्होंने जो ए और एल दिया है वो ए तो अभी दिया ही नहीं है, तो आपको निकालना पड़ेगा। लेंथ जो दी है वो 50 सेंटीमीटर दी है, ठीक है, तो आप ऐसा करना, आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो कर लेना, अदरवाइज आप ऐसे भी चला सकते हो, मैं दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। हाँ, आप देखो ये नीचे वाले, देखो ये मीटर में चेंज कर रखा है, ठीक है, मैं तो एक SI सिस्टम ही फॉलो करती हूँ, बाकी नहीं करती। मतलब एक में क्या होता है कि आप ना एक ही साइड रहते हो, अभी उसको फिर उसमें करो कोई फायदा नहीं है, एक ही चीज को फॉलो कर लो, यूनिट्स ही तो है, ठीक है। अब देखो, ये 0.5 मीटर लिखा है, क्या लेंथ दी थी, ऊपर देखो लेंथ दी थी 50 सेंटीमीटर, कैसे करेंगे मीटर में चेंज, आप इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, 50 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आएगी, 0.5 मीटर आ गई, है ना। अब देखो डायमीटर दिया है 1 सेंटीमीटर, ये क्यों दिया जी, मुझे तो एरिया पूछा था। अब आप याद रखना, जो इलेक्ट्रोड्स होती है ना आपकी, है ना, वो सिलेंड्रिकल होती है इन शेप में, कैसे होती है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल का जो बेस होता है वो कैसा होता है जी, किसी भी सिलेंडर का सर्कुलर होता है ना, यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर लोअर क्लासेस कि जो सिलेंडर का बेस होता है वो सर्कुलर होता है, तो उसका डायमीटर दे दिया है इन्होंने 1 सेंटीमीटर। रेडियस की निकाल सकते हैं ना, डायमीटर का हाफ होती है, दैट इज योर 0.5 आपकी रेडियस है, तो एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, सबको पता है, वैल्यू पुट कर दो पाई की, आपको पता है 3.14, तो रेडियस है आपकी 0.5 का होल स्क्वायर कर दो क्योंकि आर स्क्वायर है। जो वैल्यू आई है ना, ये आई है 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मेरा जो डायमीटर था वो सेंटीमीटर में था ना, तो एरिया भी किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, है ना। अभी मैंने इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, क्या करूँगी, देखो 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया था ना, अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 1 मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करूँगी, 10,000 से, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, 1000, 4 जीरो आएंगे, ठीक है, देखो 10⁻⁴ कर दिया है, ये मीटर स्क्वायर में इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, ये एरिया आ गया है 0.785 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और लेंथ आ गई है 0.5 मीटर। अब देखो, अब मुझे निकालना है रेजिस्टेंस, क्या करूँ, सॉरी रेजिस्टिविटी निकालनी है, रेजिस्टेंस गिवन है, दिखा देती हूँ आपको रेजिस्टिविटी कैसे निकाली है, रो ये गिवन है ना 5.55 × 10⁻³, ए निकाल दिया आपने अभी 0.785 × 10⁻⁴, एल से डिवाइड कर दो, 0.5 से डिवाइड कर दो, अभी बताया मैंने, तो जो सारी वैल्यू मैंने देखो आपकी एसआई यूनिट वाली रखी है, तो इसको जो सॉल्व करके वैल्यू आई है दैट इज योर 87.135 × 10⁻½, ये क्या है आपकी रेजिस्टिविटी है ना, इसकी यूनिट क्या थी, ओम मीटर थी, बताया था आपको एसआई यूनिट है ओम मीटर, तो ओम मीटर आप लिख दीजिए। अब आपको निकालना क्या था, रेजिस्टिविटी निकालनी थी, कंडक्टिविटी निकालनी थी और मोलर कंडक्टिविटी निकालनी थी, तो कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं जी, बहुत सिंपल है, रेजिस्टिविटी का ही इन्वर्स करना होता है, 1/रेजिस्टिविटी करोगे तो कंडक्टिविटी आ जाएगी, तो इस वैल्यू का इन्वर्स करके जो वैल्यू आई है दैट इज योर कंडक्टिविटी, मतलब कापा यूनिट होगी साइमन पर मीटर, वही है, ठीक है। अभी लैम्डा एम कैसे निकाल लो जी, मोलर कंडक्टिविटी, देखो आपको कापा को सी से डिवाइड करना पड़ेगा, सी इज योर कंसेंट्रेशन, और कंसेंट्रेशन किस में होनी चाहिए, मोल पर मीटर क्यूब, कापा तो आपका ठीक है यहाँ पे एसआई में ही है, साइमन पर मीटर है, और कंसेंट्रेशन होनी चाहिए मोल पर मीटर क्यूब में,
देखो ऊपर क्वेश्चन में क्या यूनिट में दिया है, इन्होंने क्या दिया है 0.05 मोल पर लीटर दिया है, तो आपको इसे मोल पर मीटर क्यूब में कैसे करोगे, बताया मैंने कई बार। क्या करूं मैं इसको, इस वैल्यू को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, जो मोल पर लीटर में वैल्यू दी गई है ना उसको मोल पर मीटर क्यूब में अगर चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 1000 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी ना, देखो ये आई इसकी 50 आ गई है 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो 50 मोल पर मीटर क्यूब आ गया। डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी दैट इज योर लैम्डा एम, और यूनिट आपके एसआई यूनिट है साइमन मीटर स्केयर, मोल इनवर्स इज द एसआई यूनिट फॉर मोलर कंडक्टिविटी, हेंस द न्यूमेरिकल सॉल्ट। ठीक है, वो सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं बट हाँ यूनिट कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, कि आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं एज सच वैल्यू नहीं आप पुट कर दोगे, एज सच वैल्यू पुट कर दोगे आंसर गलत आएगा, नंबर मिलने नहीं तुमको फिर। अभी देखो अगला जो टॉपिक है दैट इज योर वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, कैसे किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ चेंज होती है। तो आप हमेशा याद रखना किसी भी सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट कंडक्टिविटी नॉट मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी अभी आगे पढ़ेंगे कि कैसे चेंज होगी कंसंट्रेशन के साथ, फिलहाल मैं जिसकी बात कर रही हूँ दैट इज योर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज करेगी अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, मतलब अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है तो इंक्रीज करेगी कंडक्टिविटी, अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज करेगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है क्लियर, तो आपको ये पहले मैं डिफाइन करके बता देती हूँ कंडक्टिविटी को डिफाइन कैसे करना होता है। लाइक ये एक पर वन यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस है, एक यूनिट वॉल्यूम की क्या कंडक्टेंस होती है वही कंडक्टिविटी होगी, और कंडीशन क्या है उस सेल में जहाँ आप कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हो किसी भी सॉल्यूशन की, तो उनकी जो इलेक्ट्रोड है उस सॉल्यूशन की वो हमेशा उनके पास एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, मतलब यूनिट एरिया समझते हो ना, एक मीटर स्क्वेयर या एक सेंटीमीटर स्क्वेयर कुछ भी वन होना चाहिए एरिया भी। ठीक है, और डिस्टेंस जो इलेक्ट्रोड के बीच में होगा वो भी यूनिटी होना चाहिए, तो डिस्टेंस की वैल्यू भी वन होनी चाहिए। जैसे नीचे आप देखो ये फिगर दिख रही होगी, मैंने हल्की सी बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, ये मान लो दो इलेक्ट्रोड है कोई, ठीक है, तो मान लो अगर ये दो इलेक्ट्रोड है ना, तो आपको पता है इलेक्ट्रोड क्या होती है, सिलेंड्रिकल इन शेप होती है। ठीक है, तो नीचे वाला जो एरिया होता है वो सर्कुलर होता है, जो बेस होता है इलेक्ट्रोड का वो सर्कुलर होता है, तो उसका जो एरिया होगा ना वो या तो 1 मीटर स्क्वेयर होना चाहिए या 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर होना चाहिए, मतलब यूनिट होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर के ही इक्वल होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, ये कंडीशन है। तो तब अगर ये कंडीशन मेंटेन है तब एक यूनिट वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस होगी वो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, ओके, देखो ये आपने फॉर्मूला याद होगा कि हमने पढ़ा था जी इज इक्वल टू कापा ए बाय एल, ये कुछ नहीं है वहीं से निकाला, ये आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए किया था ना, दोनों साइड इनवर्स करके रिलेशन बन गया है। अगर आप लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों उस इक्वेशन में इनवर्स ले लो ना तो ये रिलेशन बन जाएगा, देख लेना करके, 1 बाय आर जी बन जाएगा, 1 बाय रो कापा बन गया, और एल बाय ए का इनवर्स क्या हो गया, ए बाय एल हो गया, तो जी इज इक्वल टू कापा ए बाय एल। अगर मैं कहूँ एरिया और लेंथ यूनिटी है, जैसे कि इसने बोला किसी भी कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए डिस्टेंस यूनिटी रखना है और एरिया भी यूनिटी रखना है, तो अगर ये दोनों चीजें मेरी वन वन हो गई तो ए की वैल्यू भी वन होगी और एल की वैल्यू भी वन होगी, मतलब मेरा जी किसके इक्वल हो गया, कापा के इक्वल हो गया, मतलब मेरी जो कंडक्टेंस है वो मेरी कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाएगी। समझ में आया कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है, यही रिलेशन है जो इस मतलब इस फॉर्मूला ने दिया हुआ है। अगर लेंथ और एरिया वन हो जाते हैं तो आपकी जो कंडक्टिविटी है आपकी कंडक्टेंस के इक्वल हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी होती है बेसिकली नाम से पता चल रहा होगा, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक मोल आपने वो जो जिसकी भी आप कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हो वो डिजोल्व किया। ठीक है, एक मोल आपने इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी में भी क्या कंडीशन है, देखो होती तो ये भी कंडक्टेंस है वही, वॉल्यूम वी ऑफ सॉल्यूशन,
वी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो सॉल्यूशन आपने लिया है उसकी कंडक्टिविटी है, बट ये होना चाहिए जो आपने बी सॉल्यूशन लिया है ना उसमें वन मोल होना चाहिए उस इलेक्ट्रोलाइट का। मान लो आपने 10 ml लिया है जिसकी आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हो ना जिस सॉल्यूशन की, उसमें आपने 10 ml ले रहे हो ठीक है, तो उस 10 ml की कंडक्टेंस है, तब अगर उस 10 ml में 1 mole डिजोल्व होगा उस इलेक्ट्रोलाइट का, वो इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व करना पड़ेगा ना, कंडक्टिविटी किसकी होती है इलेक्ट्रोलाइट की होती है ठीक है ओके, क्योंकि वही आयंस में टूटते हैं वही कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ठीक है। तो अगर बी सॉल्यूशन है जो आपका बी वॉल्यूम है उसका, तो उसमें अगर 1 mole डिजोल्व है तो उसकी कंडक्टेंस, दूसरी बात कंडीशन क्या है कि दोनों इलेक्ट्रोड जो है उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक होना चाहिए, यहाँ पर यूनिटी नहीं मांगा है, जैसे कंडक्टिविटी में क्या बोला था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है कुछ वैल्यू हो सकते हैं दैट इज ए ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, बस ये जरूर बोला है कि उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो यूनिटी होना चाहिए जैसा कि पहले में भी था। तो देखो पहला जो कंडक्टिविटी थी ना वो तो जनरली एक यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन की कंडक्टेंस थी, अगर इलेक्ट्रोड्स का एरिया 1 हो यूनिटी हो और डिस्टेंस भी उन इलेक्ट्रोड के बीच में यूनिटी हो, जबकि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है कि किसी बी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस है जिसमें 1 mole आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व हो रखा है, दूसरी बात कि उन इलेक्ट्रोड्स के बीच का एरिया जो उन इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो सकता है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो यूनिटी ही होना चाहिए ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्या मैं इसमें देखो यही वाला फॉर्मूला है लैम्डा एम ठीक है, लैम्डा एम इज अ मोलर कंडक्टिविटी, कापा ए अपॉन एल ठीक है, कापा ए अपॉन एल, एल तो आपका 1 है ना, अब अगर एरिया भी 1 हो जाता तो आपका ही कप्पा के इक्वल हो जाती है ना अगर एरिया 1 हो जाता, बट मैंने बोला कि मान लो एरिया वी है, वी कैसे हो गया जी एरिया, बोलोगे मैडम एरिया वॉल्यूम के इक्वल कैसे हो सकता है, देखो ए वॉल्यूम होता क्या है एरिया इंटू हाइट ना है ना, एरिया इंटू हाइट, अगर मान लो उसकी जो बेस का जो इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस है वो हाइट है वो तो यूनिटी हो गया है ना, तो एरिया किसके वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा एरिया के इक्वल हो जाएगा है ना, तो वही चीज उन्होंने लिखी है, अगर ए बी के इक्वल हो जाए तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये के ए अपॉन एल, एल तो 1 है तो ए की वैल्यू क्या पुट कर दूंगी मैं, बी पुट कर सकती हूँ है ना, तो मेरी इक्वेशन जो आ गई है 3.22 क्या इक्वेशन कहती है कि मोलर कंडक्टिविटी कैसे आएगी जब आप कंडक्टिविटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, और ये वॉल्यूम कैसा वॉल्यूम है, ये वो वॉल्यूम है जिसमें 1 mole ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, ये वो वॉल्यूम है जिसमें 1 mole ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है ठीक है क्लियर। तो अगर मैं इसकी कंडक्टिविटी की पढ़ूं कि कंसंट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर मैं इस बात पे आऊं तो आप याद रखना जब मैंने कंडक्टिविटी बताया था तो कंडक्टिविटी जो सिंपल कंडक्टिविटी थी कापा जिसे हम बोलते हैं वो कंसंट्रेशन डिक्रीज करने के साथ डिक्रीज करती थी, और इंक्रीज करने के साथ अगर कंसंट्रेशन की वैल्यू इंक्रीज करती थी तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करती थी, जबकि मोलर कंडक्टिविटी के साथ उल्टा है ठीक है, ये अगर आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हो ना तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। अब तुम सोचो कि ये कैसे पॉसिबल है, कंसंट्रेशन तो डिक्रीज कर रहे हैं और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। देखो ऐसा है जनरली इसको समझने के लिए कंसंट्रेशन क्या बताती है आपको, किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से आप समझते क्या हो कि कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है ना, ये समझते हैं हम। मान लो मैंने एक गिलास में 1 चम्मच चीनी घोली है तो वो जो चीनी मैंने घोल दी है उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में वो उसकी कंसंट्रेशन है, उस पानी के चीनी के घोल की या शुगर सॉल्यूशन जो मैंने बनाया है उसकी कंसंट्रेशन है ठीक है। अगर मैं उसमें मैं कहूँ कि मुझे उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करनी है तो क्या मैं उसमें से चीनी जो घोली हुई है वो बाहर निकाल सकती हूँ, नहीं निकाल सकती ना। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है कि सॉल्वेंट को बढ़ा दिया जाता है, मतलब जैसे मैंने पानी मेरा सॉल्वेंट था उस शुगर सॉल्यूशन में है ना जो मैं बना रही थी, अगर मैं पानी का अमाउंट बढ़ा देती हूँ एक गिलास से, मान लो मैंने 3 गिलास पानी डाल दिए, पहले 1 गिलास था अभी मैंने 2 और डाल दिए तो कितने हो गए टोटल 3 गिलास पानी हो गया है ना। अभी वही चीनी तो उतनी है कितनी 1 चम्मच और पानी कितना हो गया 3 गिलास, तो अब मेरे को बताओ क्या ये जो पानी 3 गिलास पानी में आपने 1 चम्मच चीनी घोली है
क्या उसका मिठास उतना ज्यादा होगा? नहीं होगा ना, जितना एक गिलास में आपने एक चम्मच चीनी घोला था उसकी मिठास ज्यादा होगी, या फिर 3 गिलास में जो आपने एक चम्मच चीनी घोला है उसकी मिठास, आपको सिंपल ये तो बताने की जरूरत ही है ना, जिसमें एक गिलास में एक चम्मच चीनी होगा उसी की मिठास ज्यादा होगी। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने पानी डाला तो उस चीनी की मिठास कम हो गई है ना, तो मैं कह सकती हूँ कि जो चीनी की कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज कर गई। ठीक है, तो सिमिलरली जो अगर पानी डाल दें हम किसी ऐसे सॉल्यूशन में, सॉरी, जिसके हमें मोलर कंडक्टिविटी मेजर करनी है, अगर उसमें हम पानी डाल दें तो उसका मतलब क्या है, हमने उसकी कंसेंट्रेशन को डिक्रीज किया है, उस सॉल्यूशन की कंटेंट कंसेंट्रेशन को डिक्रीज किया है। तो ऐसा होने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? देखो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, लैम्डा एम कप्पा इंटू वी है। ठीक है, वी आपका वो पूरा सॉल्यूशन है जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व है। अगर आपने ज्यादा सॉल्वेंट डाल दिया तो इलेक्ट्रोलाइट तो 1 मोल ही रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं होगा, तो वॉल्यूम वी की वैल्यू तो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। क्योंकि वी चाहे आप 10, उसने ये नहीं कहा कि वी कितना होना चाहिए, उसने इतना बोला है कि वी वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व है। अब चाहे आप वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 100 ml में घोल दो, चाहे आप वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 200 ml में डिजोल्व कर दो, चाहे आप वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 300 ml में डिजोल्व कर दो। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, कि आपने कितने में डिजोल्व किया है। तो मान लो मेरा वॉल्यूम, अगर मैंने पानी ज्यादा डाल दिया है, मेरा वॉल्यूम ज्यादा हो गया, तो इससे क्या होगा, मेरी लैम्डा एम की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। वॉल्यूम इंक्रीज करने से लैम्डा एम की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, बट वॉल्यूम इंक्रीज करने से कंसेंट्रेशन में डिक्रीज आता है। इसलिए बोला जाता है कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है विद डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सिंपल कंडक्टिविटी का कंसेंट्रेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि मोलर कंडक्टिविटी का कंसेंट्रेशन के साथ इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, ओके। उसके बाद एक और टर्म आती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को अक्सर हम लैम्डा एम नोट से डिनोट करते हैं। ये जो लैम्डा एम है ना, ये लैम्डा एम, इसके ऊपर नोट लगा होता है, नोट मतलब ये छोटा सा, ये ओ वाला बिंदु सा जैसे इसमें लिखा हुआ है, ये इसका सिंबल है ई एम नोट। जैसे ई एम किसका सिंबल था, लैम्डा एम का, तो ई एम नोट किसका सिंबल है, लैम्डा एम नोट का। और लैम्डा एम नोट मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये कब होती है, अगर किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जीरो अप्रोच करे, जीरो की तरफ अप्रोच करे, मतलब इट टेंड्स टू जीरो, तो उस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। देखो अब ये बात भी है कि किसी की कंसंट्रेशन जीरो की तरफ कैसे अप्रोच करेगी, सिंपल सी बात है, अगर आप उसमें बहुत ज्यादा एक्सेस में सॉल्वेंट डाल दे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है ना। अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में मैंने डाल दिया तो हो सकता है उसकी कंसंट्रेशन जीरो के अप्रोक्स हो जाए। ठीक है, तो उस केस में जब आपने एक्सेस में डायल्यूशन कर दिया है, वो ज्यादा पानी या सॉल्वेंट जो भी आपने डाला है वो बहुत ज्यादा डाल दिया है, बड़ी एक्सेस में डाल दिया है, उस कंडीशन में हम उस मोलर कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे उस सॉल्यूशन की। ठीक है, तो जनरली एक बात याद रखना, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी है, दैट इज अ लैम्डा, वो इंक्रीज करती है विद डाइल्यूशन। ठीक है, ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अभी का टॉपिक चला हुआ है ना, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब ये बड़ा अच्छी खासी वेटेज रखते हैं आपके एग्जाम में, और आगे फर्दर इसके एप्लीकेशंस हैं बहुत सारी। तो ये जो लैम्डा की वैल्यू है, कहते जो कंडक्टिविटी है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, अब तुम्हें पता होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दो तरह के होते हैं, या तो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हम उन इलेक्ट्रोलाइट्स को बोलते हैं जो इजिली डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, दोस इलेक्ट्रोलाइट हु इजिली डिसोसिएटेड इन सॉल्यूशन, दे आर नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, क्लियर। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पढ़ रहे हैं हम, तो इनकी जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी है, वो
वो डायल्यूशन के साथ इंक्रीज करती है, मतलब जैसे जैसे आप पानी डालोगे वैसे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ेगी। होता क्या है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, जैसे आपने उसे डिसॉल्व किया तो वो तो ईजिली डिसोसिएट हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि नंबर ऑफ आयंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, किसके केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं जो जो आयंस हैं बहुत ज़्यादा हो जाएंगे किसी सॉल्यूशन में, तो उनकी मूवमेंट, उन्हें मूव करने में एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी प्रॉब्लम या हिंड्रेंस मिलेगा, ठीक है, सॉल्यूशन में। ऑब्वियसली बात है ना, बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगी ना, ज़्यादा आयंस है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट हो रहा है आयंस में, वो स्ट्रॉन्ग है तो मतलब मैक्सिमम सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, तो जिससे नंबर ऑफ आयन सॉल्यूशन में ज़्यादा होंगे, उसकी वजह से आयंस को एक दूसरे जगह मूव करने में हिंड्रेंस मिलेगा। अब आयंस अगर इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब कंडक्टेंस भी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। किसी भी चीज़ की कंडक्टेंस क्यों होती है, मैंने बताया था, है ना, क्योंकि या तो उसमें आयंस की मूवमेंट हो या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो, है ना। अगर आयंस मूव ही नहीं कर पाएंगे तो कंडक्टेंस भी ज़्यादा नहीं आ पाएगी। अगर आप ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वाले सॉल्यूशन को में डाइल्यूशन कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस में सॉल्वेंट डाल देते हैं, उससे क्या होगा, पानी ज़्यादा डालने से सॉल्यूशन में जो आयंस है अब उन्हें ज़्यादा स्पेस मिलेगा, है ना, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा हो गया ना, अब आयंस थोड़े दूर दूर हो जाएंगे और वो इजिली मूव कर पाएंगे, हेंस द कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, ठीक है। तो याद रखना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में डायल्यूशन के साथ कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सकती करेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आपको थोड़ा सा ऐसा है कि यहाँ पर थर्ड चैप्टर में मैं देख रही हूँ रीजनिंग कम प्रोवाइडेड है एनसीईआरटी में, तो अगर आपको थोड़ी सी भी रीजनिंग के लिए जाना हो तो आप प्रदीप रेफर कर लेना, ये प्रदीप में रीजनिंग बता रखी है बड़े अच्छी कि क्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है डायल्यूशन के साथ। अभी तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो यही पीडीएफ है, मैं तो इसी से पढ़ा सकती हूँ, ना तो मेरे पास प्रदीप है ना कोई हार्ड कॉपी है, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन दिखी हुई है ना, ये डी बाय हक्कल ऑन सागर इक्वेशन है, तो व्हाट इज दिस इक्वेशन इज सेइंग, तो ये लैम्डा एम इज इक्वल टू ई एम नॉट, व्हाट इज दिस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, याद है ना, जो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन पे रिकॉर्ड की जाती है, दैट इज योर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, माइनस ए अंडर रूट सी, सी रेस टू पावर 1/2, मतलब अंडर रूट सी, ए जो कॉन्स्टेंट है, ए जो है वो कॉन्स्टेंट है, सी आपकी कंसेंट्रेशन है, लैम्डा एम आपकी मोलर कंडक्टिविटी है, और ई एम नॉट आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। इसको कहीं कहीं बुक्स में ना ये लैम्डा एम नॉट भी लिखा हुआ है, तो बात वही है, ये लेटेस्ट एडिशन है, इसमें ये सिंबल यूज किया गया है, तो मुझे लगता था कि मैं आपको बताऊं कि लेटेस्ट बुक में ये सिंबल यूज हो रहा है, तो अगर क्वेश्चन में अगर ये सिंबल को यूज किया हो कहीं पेपर में तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये लैम्डा एम नॉट ही है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को ना आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, क्योंकि मैंने आपको ग्राफ दिखाना है। देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, पता होगा, अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं y और x के बीच में, तो m क्या होता है आपका, m होता है आपका स्लोप और c होता है आपका इंटरसेप्ट, है ना, यू नो दैट। तो यहाँ पे इसको कंपेयर करो, तो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है लैम्डा m के बीच में और अंडर रूट सी के बीच में, तो मेरा अंडर रूट सी मेरा x है समझो, और लैम्डा m मेरा y है, तो m क्या हो जाएगा जी, m हो जाएगा माइनस ए, माइनस ए आपका m है और ई एम नोट आपका c है, इंटरसेप्ट है। माइनस m का मतलब क्या है, नेगेटिव स्लोप, मतलब आपका जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग में होगा, इंक्रीजिंग में नहीं होगा। अगर पॉजिटिव स्लोप होता है तो ग्राफ इंक्रीजिंग में जाता है, अगर नेगेटिव स्लोप होता है तो ग्राफ डिक्रीजिंग में जाता है। देखो डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो ये जो स्लोप होगा इस लाइन का, दैट इज योर ए, ठीक है, माइनस साइन शोइंग कि ग्राफ डिक्रीजिंग पैटर्न में है, ठीक है। एंड व्हाट इज इंटरसेप्ट, ये जो यहाँ से ओरिजिन से ये वाई एक्सिस पे ये लाइन जहाँ से शुरू हुई है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये जो इंटरसेप्ट बना है इस लाइन ने वाई एक्सिस पे बनाया है,
दैट इज इंटरसेप्ट एंड इसकी वैल्यू जो होती है वो ई एम नॉट के इक्वल होगी यहाँ पर, ठीक है क्लियर। ये जो इक्वेशन है ये डी बाय हक्कल सागर इक्वेशन, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग लाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इस इक्वेशन को बड़े अच्छे से फॉलो करते हैं, हालांकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स उतने अच्छे से फॉलो नहीं करते। आप देखो ये जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई हुई है दैट इज फॉर एसिटिक एसिड विच इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वेयर एज केसीएल इज योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये जो ब्लू लाइन है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। देखो यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। हालांकि ग्राफ थोड़ा डिक्रीजिंग में ही है, बट एग्जैक्टली डिक्रीजिंग में भी नहीं कह सकते, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिक्रीज करना शुरू किया, फिर एकदम से डिक्रीज किया है, फिर नियर बाय आगे जाके कहीं कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीजिंग में है ग्राफ वीक के लिए, बट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का नहीं है, ठीक है क्लियर। तो आपको ये वाला क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है ग्राफ में से ना, कि लैम्डा के साथ सी का क्या रिलेशन है, तो आप बता सकते हो कि डिक्रीज करती है, ठीक है ओके, इनवर्स रिलेशन है। बाकी इसमें हाँ, इसके बाद एक कोलराश ला, दिस इज योर कोलराश ला ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। तो ऐसा होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के जो लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी है वो तो मेजर हो जाती है जनरली ग्राफ से, बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना उनकी लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी मेजर करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। अभी मैं बताऊंगी कैसे क्या क्या प्रॉब्लम आती है, पहले मैं कोलराश ला बता दूँ। ये जो आपकी है ये आपकी मतलब ये ला किस बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक हो, ठीक है। उसकी मॉलर कंडक्टिविटी को हम लिख सकते हैं एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ अनायन एंड कटायन, ठीक है। मान लो NaCl है आपका इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, इसकी जो लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी होगी दैट इज ई एम नॉट, ठीक है। ये किसके इक्वल होगी, Na की जो लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी है और Cl की जो लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी है, ठीक है। मतलब सिंपली जो आयंस की लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी होगी ना उनका सम होगी, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ब्लू वाली 3.25 इक्वेशन देखो, यहाँ पर इन्होंने इसी इक्वेशन को मॉडिफाई किया है, 3.24 को मॉडिफाई करके लिखा है कि ई एम नॉट जो है किसके इक्वल है, वी पॉजिटिव लैम्डा नॉट पॉजिटिव प्लस वी नेगेटिव लैम्डा नॉट नेगेटिव, ठीक है। अब ये वी पॉजिटिव वी नेगेटिव क्या आगे जी, वी पॉजिटिव आपको बताएगा नंबर ऑफ केटायन, मतलब मैं बताऊंगी, और वी नेगेटिव बताएगा नंबर ऑफ एनायन। देखो जैसे NaCl है, NaCl जब डिसोसिएट होता है तो एक केटायन निकलता है और एक अनायन निकलता है ना, बट सभी सॉल्ट में तो ऐसा नहीं होता। सपोज बेरियम क्लोराइड है BaCl2, BaCl2 को अगर आप डिसोसिएट करते हो तो एक बेरियम निकलता है, दो क्लोरीन निकलते हैं। तो ऐसे सॉल्ट जिसमें नंबर ऑफ कटायन और नंबर ऑफ अनायन 1 से डिफर कर सकते हैं वहां पर ये 3.25 लग जाएगी, मतलब यहाँ पर वी पॉजिटिव आपको बताएगा कि डिसोसिएट होने पर कितने कटायन निकले हैं, तो और वी नेगेटिव बताएगा कि डिसोसिएट होने पर कितने अनायन, नंबर ऑफ अनायन, ठीक है। तो ये आपकी फर्दर वही कोलराश ला ही है, बस थोड़ा सा इन्होंने नंबर ऑफ कटायन और अनायन को इस इक्वेशन में इंक्लूड किया है, ठीक है। ओके 3.25 इज योर फाइनल इक्वेशन ऑफ कोलराश ला, आपको समझ में आ गया ना। कोलराश ला बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी दैट इज योर ई एम नॉट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कटायन की और अनायन की जो लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी होगी उसका सम होगी, ठीक है क्लियर। तो अब देखो इसकी यूटिलिटी क्या है, आज ही कराऊं क्या, नहीं इसकी एप्लीकेशन ना मैं आपको नेक्स्ट में कराऊंगी, हालांकि ये थोड़ा सा ही रह गया बट स्टिल मुझे लगता है कि तुम्हारे सर से गुजरना चाहिए आज कुछ। तो हमने आज पढ़ा है कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी है ना, और मैंने यूनिट कन्वर्जन भी बताया तुमको, ठीक है, कैसे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है कंडक्टिविटी से अगर कंसंट्रेशन गिवन हो, एंड और क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का है ना, और पढ़ा हमने हाँ कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन से कैसा रिलेशन है, मोलर कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन के साथ कैसा है,
तो कंडक्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशन था, है ना, अगर कंसंट्रेशन बढ़ती है तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, बट मोलर कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। फिर हमने पढ़ लिया आपका डी बाय हकल ओनसागर इक्वेशन, दैट इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जो आपने अभी पढ़ा था कि लैम्डा एम आपका इक्वल होता है लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला लैम्डा मींस लैम्डा एम नॉट इज माइनस अंडर रूट सी, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए थी। मैंने बताया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इसको इतना फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ही फॉलो करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ लिया कोलराश ला जो बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके आयंस की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है उसी का ही सम होती है, ठीक है। उसके बाद हमने एक इसकी जो एप्लीकेशन है और इस पे जो न्यूमेरिकल बेस होते हैं, कोलराश ला इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि न्यूमेरिकल अक्सर आते हैं पेपर में, तो वो हमने करने हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवन जो ये फिजिकल पोर्शन आप देख रहे हो ना, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये बहुत स्कोरिंग होता है फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप आगे बच्चे ऑर्गेनिक तो कईयों को टफ लगती है कईयों को नहीं लगती, तो वो सबका अलग अलग टेस्ट हो जाता है, बट फिजिकल ऑलमोस्ट सबको ईजी लगती है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यूनिट कन्वर्जन फॉर्मूलाज और बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तो बाकी इतना कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है, ठीक है। ओके, आज के लिए थैंक यू सो मच, बाकी हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे।